नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। प्याज के रेट दिन प्रतिदिन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। आज प्याज 100 के पार हो गया है। प्याज के बढ़ रहे दामों में सरकार ने जनता को हिला कर रख दिया है। सरकार ने अब इस पर सख्त रुख अपना लिया है। भिवानी में आज खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी करवाई ताकि इसका स्टॉक करने वालों की ओर नकेल कसी जा सके। भिवानी की सब्जी मंडी में आज जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के DFSC अनिल कुमार ने छापेमार करवाई। उन्होंने बताया कि वे देखने आए थे कि कहीं प्याज का स्टॉक रखकर इसकी ब्लैक तो नहीं की जा रही है। छापेमार कार्रवाई के दौरान मंडी के दुकानदारों में भगदड़ मच गई और प्याज विक्रेता दुकानें बंद करके निकल गए। दुकानदारों को कहना था कि विभाग सही कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। दुकानदार सुशील का कहना था कि हर वर्ष प्याज के भाव महंगे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में रेट 250 के भी पार हो गया है। उन्होंने बताया कि कहीं बेमौसमी बारिश के कारण ऐसा हुआ है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक विशेष रिपोर्ट। प्याज का बात एक और है भाई, कहीं पे आने वाले टाइम में बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पे फसल खत्म होगी। अब कल मैंने जैसे टेलीफोन मिलाते हैं ना बच्चे, तो कहीं नेपाल में मिल गया। मैंने उसे पूछा प्याज का क्या भाव है, उन्होंने बोले 230 रुपये। 230 रुपये बोले आपके भाई, हमारे पास 90-100 रुपये के आसपास है। ये हर साल होता है, 80-90-70 हर साल होता है इन दिनों में। जब एक पैदावार ही नहीं होगी, जिस चीज की कमी होगी वो अपने आप ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। फिर बाहर से मान लो आज नासिक से या और कहीं से आता है तो उसका किराया भाड़ा, आज से 6 महीने पहले प्याज 6 रुपये में ही बिक रही थी, 8 रुपये में ही बिक रही थी, 10 रुपये में ही बिक रही थी। जैसे जैसे ये खत्म होती गई, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो फसल ही खत्म होगी किसी की, तो ये माना जा सकता है जी इसे क्या फायदा होगा आम आदमी। इससे फायदा ये होगा, अगर किसी भाई ने स्टॉक कर रखी होगी तो बाहर आएगी, लेकिन आज के टाइम में प्याज कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। 2-3